उन्होंने अहंकार में माफी नहीं मांगा। गुजराती समाज को गाली देना फिर वही गलती है, उचित नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राहुल गांधी का सदस्यता खत्म कर दिया गया है, राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें काफ़ी राजनीतिक तेज है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर जो तमाम विपक्ष में लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेर रहे हैं। जब हमने बात किया सांसद गिरिराज सिंह से तो उनका कहना है कि राहुल गांधी को समय भी दिया गया था, उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। पर उतना ही नहीं, जब तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया था उसको लेकर जब गिरिराज सिंह से पूछा गया तो गिरिराज सिंह का साफ तौर पर कहना है कि एक समाज को लेकर पूरे गुजराती समाज को गाली नहीं दे सकते हैं। जो तो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। ये तो कोर्ट का अपमान है, कहाँ हो सकती, कोर्ट ने सजा दी है, कोर्ट ने उन्हें मोहलत भी दी माफी मांगने के लिए। इन्होंने अहंकार में माफी नहीं मांगा तो कोर्ट ने सजा कर दी और आज अपने ही किए हुए का फल भुगत रहे हैं। जब सदन के अंदर बिल को फाड़ा था, यही बिल था कि कोई भी प्रतिनिधि कोई भी तो उसको जब तक मौका नहीं मिले। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी तरीके से पता नहीं जिनकी जो सोच होती है वही ये बात बोलते हैं। बगल में रवि शंकर बाबू हैं, बेहतर आपको बताएंगे। सर, तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है, तमाम गुजरातियों को ठग बता दिया। देखिए स्वाभाविक है, घिंचो मत घिंचो मत घिंचो मत छोड़। देखिए व्यक्ति को मोदी जी को गाली देते हैं लेकिन फिर गुजराती समाज को गाली देना फिर वही गलती है, उचित नहीं। इस पर कार्रवाई होगी, उचित नहीं। तो अभी आप गिरिराज सिंह को सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई उस पर कहना है कि उनको समय भी दिया गया था पर उन्होंने माफी नहीं मांगा। तेजस्वी यादव को भी लेकर क्या कुछ बोल रहे थे गिरिराज सिंह, ठीक देखा आप इस वीडियो में। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।